हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे जीओसी का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। तो हमने इससे पहले किया है कन्फिग्रेशनल आइसोमेरिज्म। तो कन्फिग्रेशनल आइसोमेरिज्म क्या होता है? मीन सिस्ट्रांस आइसोमेरिज्म। उसमें डबल बॉन्ड होता है जिसमें हिंडर्ड रोटेशन होती है, बट अगर सिंगल बॉन्ड है उसमें हिंडर्ड रोटेशन नहीं है, फ्री रोटेशन है उसमें, तो उसमें कौन सी आइसोमेरिज्म आती है? उसमें जो आइसोमेरिज्म आती है उसको बोलते हैं हम कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। अब कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म को एक्सप्लेन करने के लिए सपोज मैं एग्जांपल लूँ मिथेन, इथेन का CH3। तो इथेन का जो मॉलिक्यूल है इसको रिप्रेजेंट करने के मेरे पास डिफरेंट मेथड है। जैसे पहला मेथड है साहोर्स। तो साहोर्स में ये कार्बन जिसके साथ तीन हाइड्रोजन अटैच है। अब देखिए इसमें हो क्या रहा है, सिंपली अगर इसको मैं एक्सप्लेन करूँ इसमें हो क्या रहा है, आपको देखना है पीछे तीन हाइड्रोजन है पीछे वाले कार्बन के साथ, और ये फ्रंट कार्बन है उसके साथ तीन हाइड्रोजन है। आपकी तरफ जो कार्बन है उसके साथ तीन हाइड्रोजन, पीछे वाले के साथ भी तीन हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अब देखो ये जो हाइड्रोजन है इसके पीछे है, ये हाइड्रोजन इसके पीछे, और ये हाइड्रोजन इसके पीछे, बिल्कुल ये पीछे वाले जो तीन हाइड्रोजन है फ्रंट वाले तीन हाइड्रोजन ने उनको छुपो रखा है। तो ये जो बनता है, अगर फ्रंट वाले तीनों हाइड्रोजन पीछे वाले तीनों हाइड्रोजन को छुपो लें तो उसको हम बोलते हैं एक्लिप्स। तो कन्फर्मेशन है साहोर्स, इसको क्या बोलते हैं, साहोर्स रिप्रेजेंटेशन है। साहोर्स में ये जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं एक्लिप्स। जैसे सोलर एक्लिप्स होता है ना, तो उसी तरह एक सोलर एक्लिप्स क्या होता है, जब सन के आगे मून आ जाता है और हमें सन नहीं दिखाई देता, तो उसी तरह जो फ्रंट के तीन हाइड्रोजन है वो बैक के तीन हाइड्रोजन को छुपो लेंगे। इसी में दूसरा स्ट्रक्चर ध्यान से देखें तो दूसरे स्ट्रक्चर में हमें दिखाई दे रहे हैं कुछ ऐसा, जो फ्रंट के तीन हाइड्रोजन है और पीछे के तीन हाइड्रोजन है वो बिल्कुल एक दूसरे के सेंटर में। अगर ये एंगल है 120 तो ये आपका कितने पे है, 60 के ऊपर, तो इसको बोलते हैं हम स्टैगर्ड। तो साहोर्स में हमारे पास दो रिप्रेजेंटेशन है, साहोर्स में क्या हो सकता है, एक्लिप्स हो सकती है और स्टैगर्ड। तो एक्लिप्स में जो फ्रंट के तीन हाइड्रोजन है पीछे वाले तीन हाइड्रोजन को छुपा लेंगे, स्टैगर्ड में जो हाइड्रोजन है वो मोस्ट फार डिस्टेंस पे प्रेजेंट होंगे। बट जो साहोर्स रिप्रेजेंटेशन है वो इतना अच्छा रिप्रेजेंटेशन नहीं है, क्लियर व्यू नहीं देती हमें। तो क्लियर व्यू हमें कौन देता है इसका, न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला। आइए देखते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, इथेन का ही बना के देखते हैं। तो एक कार्बन जो आपकी तरफ इसको मैंने शो कर दिया डॉट से, ये कार्बन जो आप हमारी तरफ इसको डॉट से शो कर दिया, पीछे जो कार्बन है उसको मैंने शो कर दिया होलोस्फीयर से। अब फ्रंट में जो कार्बन है इसके साथ कितनी हाइड्रोजन अटैच है, तीन एच एच एच। और पीछे जो कार्बन है उसके साथ भी कितनी हाइड्रोजन अटैच है, एच H और H। तो फ्रंट वाले कार्बन के साथ भी तीन हाइड्रोजन अटैच है, पीछे वाले कार्बन के साथ भी तीन हाइड्रोजन अटैच है। अब यहां मैंने क्या किया, ये मैंने बनाया एक्लिप्स। एक्लिप्स का मतलब है फ्रंट के तीनों हाइड्रोजन के बिल्कुल पीछे कौन है, जो दूसरे कार्बन है उसकी हाइड्रोजन, मीन पीछे की हाइड्रोजन आगे के हाइड्रोजनों ने छुपो रखी है। जो एंगल दिखाई दे रहा है आपको, ये जो एंगल दिख रहा है ये आपका कितना है, जीरो। डाइहेड्रल जो एंगल है दैट इज जीरो। बट अगर ये एंगल कितना हो जाए, ये जो एंगल है ये कितना हो जाए, 60 डिग्री हो जाए, तो इसको बोलते हैं स्टैगर्ड। तो एंगल कितना हो जाएगा, स्टैगर्ड। तो ये एक्लिप्स अगर एंगल जीरो है, ये स्टैगर्ड अगर एंगल कितना है, 60। बाकी सबको बोलेंगे स्क्यू। याद रखना अगर डायहेड्रल एंगल है जीरो तब एक्लिप्स, डायहेड्रल एंगल है 60 तो स्टैगर्ड, बाकी जितने भी एंगल बचे, अब कितने एंगल बचे, बाकी इनफाइनाइट एंगल बचे, तुम सबको किस कैटेगरी में रखेंगे, स्क्यू की कैटेगरी में रखेंगे हम। तो ये हमारा था इसको बोलते हैं हम न्यू
न्यूमैन्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला। तो क्या बोलते हैं इसको, न्यूमैन्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला। तो न्यूमैन्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो कार्बन कार्बन है फ्रंट के, जो तीन हाइड्रोजन है और पीछे के तीन हाइड्रोजन है, अगर इनका एंगल जीरो है तब तो उसको बोलेंगे एक्लिप्स। और मैक्सिमम एंगल कितना होगा जब ये 60 पे होंगे तो उसको बोलेंगे स्टैगर्ड। बाकी जितने भी एंगल हैं उनको क्या बोलेंगे हम, स्क्यू। तो एक्लिप्स, स्टैगर्ड और स्क्यू मिला के कितने हो जाएंगे हमारे पास, इनफाइनाइट नंबर ऑफ आइसोमर हो जाएंगे। तो इन इनफाइनाइट नंबर ऑफ आइसोमर को हम क्या बोलते हैं, कन्फर्मेशनल आइसोमर्स बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी कन्फर्मेशनल आइसोमर की, इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर, स्टीरियो आइसोमर्स विच अराइज, विच अराइज ड्यू टू फ्री फ्री रोटेशन ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में जो फ्री रोटेशन है उसकी वजह से जो इनफाइनाइट नंबर हमारे पास स्टीरियो आइसोमर आते हैं, उन आइसोमर को हम किस कैटेगरी में रखते हैं, कन्फर्मेशनल आइसोमर्स की कैटेगरी में रखते हैं। और बेसिकली वो आपके हो सकते हैं एक्लिप्स, स्टैगर्ड और स्क्यू। अगर मैं बात करूं स्टेबिलिटी की, अब देखो यहां तो हाइड्रोजन बिल्कुल क्लोज होंगे, तो एक्लिप्स सबसे अनस्टेबल होते हैं और स्टैगर्ड सबसे ज्यादा स्टेबल, स्क्यू इन बिटवीन लाई करेंगे। तो मैंने क्या बात की, जितने हाइड्रोजन दूर दूर होंगे स्टीरिक हिंड्रेंस उतना ही कम होगा, स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो सबसे दूर किसमें, स्टैगर्ड में, तो सबसे स्टेबल है। सबसे पास किसमें, एक्लिप्स में, ये सबसे अनस्टेबल है, स्क्यू इनके बिटवीन लाई करेंगे। तो ये हमने बात की कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म।